कितनी अच्छी पार्टी रखी है जिया ने। ये किस मोड़ पे जिंदगी ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ मेरी बीवी है जिसे मैं प्यार नहीं करता, तो दूसरी तरफ निकी जिसे मैं गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं जानती थी कि तुम मुझे और अभी को इनकार कर ही नहीं सकती। You're such a sweetheart. आओ, come, you've been waiting for you. Come. आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। You know, single ladies को इतना खूबसूरत नहीं लगना चाहिए, especially जब शादीशुदा मर्द आसपास हो। Girls, girls, सब लोग ध्यान दें। निकी इज हियर। सब लोग अपने अपने पतियों को बचा ले। जी अब मैं बहुत थक गई हूँ। पता है मैंने कहीं पढ़ा है कि इस शहर में डिवोर्स का नंबर वन कारण यही है। कौन? निकी। बाकियों का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेरे पति देव उसे ऐसे ही देखते रहे तो मेरे लिए नंबर वन कारण जरूर हो सकता है। जी आप, मैं जरा अभी अरे यार तुम तो बुरा मान गए, जोक। आई नो, लेकिन तुम्हें पता है मैं अभी से भी यही कहती रहती हूँ कि हॉस्पिटल में तुमसे थोड़ा दूर रहा करे। अगर तुम दोनों के बीच कुछ शुरू हो गया तो मेरा क्या होगा? ओ निकी, कम ऑन यार, मेरे पे मत लो, जस्ट जोक। आई होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके, आई नो। जी आप, मैं जरा वॉशरूम होकर आई। ओके। कहाँ जा रहे हैं? She'll be fine. इस जिग्नेश को भी आज ही कहीं जाना था। अब इतनी रात को ऑटो कहाँ मिलेगी? आओ! क्या है तुम? कौन हो तुम? देखो मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे कुंग फू भी आता है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ।
द फोर्ट। तुम सबको ऐसे ही डराती हो क्या? चलो बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ गाड़ी में बैठ। जैसे तुम्हारी मर्जी। सोच लो, अगर ये चला गया तो घर कैसे जाऊंगी? ओके ओके ओके, प्लीज आराम से। हाँ पार्टी है, तुम्हें आना है। अभी तुम इसे बता दो कि पार्टी से आना है। क्यों अभी? क्यों? क्यों हर बार तुमने अपना वादा तोड़ दिया? क्यों? क्यों मुझे अकेला छोड़ गए अभी? क्यों? निकी, प्लीज जाओ। निकी प्लीज, अभिमन्यू प्लीज लेट मी बी। एक बार मेरी बात तो सुन। अभिमन्यू प्लीज, अंदर तुम्हारी एनिवर्सरी की पार्टी चल रही है, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम यहाँ क्यों हो? प्लीज जाओ। निकी प्लीज, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं अभी? क्यों? क्योंकि आई लव यू। प्यार करता हूं तुमसे। प्यार? प्यार करते हो मुझसे? लेकिन रहते अब भी उसके साथ हो? प्यार मुझसे करते हो लेकिन मिसेस मोदी कहने का हक अब भी तुमने उसे दे रखा है? क्यों अभी? क्यों? क्यों अभी? क्यों? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अभी क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? प्यार करते थे ना तुम मुझसे, पर क्यों? 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 करता था नहीं, अब भी बहुत करता हूं निकी। आई लव यू निकी। नहीं डॉक्टर मोदी, मैं आपके डिवोर्स का नंबर वन रीजन नहीं बनना चाहती। जिया की बातें सच है, उतनी ही सच है जितना कि तुम दोनों का रिश्ता। तुम दोनों आज भी शादीशुदा हो, अभी तुम आज भी उसके हस्बैंड हो। निकी जिया बीमार है,
वो खुद जानती उसकी हालत क्या है। ऐसे कंडीशन में इस वक्त मैं उसे कैसे डिवोर्स मांगू? मैं इतना लापरवाह नहीं हो सकता निकी। You're right. तुम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही तुम सच को बदल सकते हो। अभी अभी मुझे जाने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। अभी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बार बार पीछे मुड़कर तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूँ मैं। अभी नहीं निकी, प्लीज मुझे जाने दो। से प्यार करते हो अभी, पर तुम्हारी ये प्रेम कहानी मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो किसी और के भी नहीं हो पाओगे। पकड़ के बैठो, गिर जाओगी। नहीं, ऐसी ठीक है, मैं ऐसी बैठूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मुझसे मत कहना, इसलिए एक बार फिर कह रहा हूँ कि पकड़ के बैठो वरना गिर जाओगी। देखो, मैंने तुमसे सिर्फ लिफ्ट ली है, अब ये मत समझना मैं कोई ऐसी वैसी लड़की। ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी लड़की हो। हाँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे लड़के हो। बस अपनी बाइक ठीक से चला। ओके, जिया, जिया, क्या हुआ? सारे कैश चले गए? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जो कहना चाहती हूँ वो अकेले में ही कह सकती हूँ। अभी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में मेरा हाथ थामा, मेरी हर बुराई को अपनाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को वापस पहले जैसा कर दूं, तुम्हारी हर उम्मीद पूरी करूं, लेकिन शायद टूटे रिश्ते को दोबारा जोड़ना मुश्किल है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी पूरी बात सुन लो। भी आज मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूं। आज से हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। What?
आई लव यू अभी। आई प्रॉमिस कि मैं हमारा प्यार वापस लाऊंगी। जितना प्यार पहले था उतना दोबारा होगा। आई लव यू। पता नहीं मैं इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आ पाऊंगा। मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी अभी। निकी तुम्हें मुझसे कभी दूर नहीं ले जा सकती। बहुत प्यार करते हो ना उससे। अब तड़पो उसके लिए। तुम सिर्फ मेरे हो। अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो तुम्हें किसी से प्यार करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। कितने बजे आऊं? सपनों में आना। तुम्हारी इस बाइक पर अगर दोबारा बैठी ना तो अपना नाम बदल दूंगी। आपसे जरूरी बात करनी है। भाई बाद में बात करते हैं। डॉक्टर साहब विनती है, वो नए इंटर्न्स हैं जो इंटर्न्स अब क्या किया उन्होंने? किया तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब। कोमल भाई उन दोनों की वजह से एक पेशेंट की जान जा सकती थी। खैर बाद में बात करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो। दुआ कीजिए मेरे लिए। डॉक्टर शशांक के करियर की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, अब तो मदद करनी ही पड़ेगी। अब डॉक्टर शशांक को पता चलेगा कि एक गलती किसी के करियर को कैसे बर्बाद कर देती है, और वो भी एक यंग डॉक्टर का करियर।